I hope you all are good. So today I'm going to share with you my another vlog. So welcome back to my channel Huma Diary. So आज है Friday और अभी बज रहे हैं शाम के 7:30. So हम लोग आज आए हैं grocery shopping पे और ये एक नए mall में एक नया adventure और एक नया experience जो कि Ansar Gallery है. और यहाँ पे guys जो वराइटीज़ है, जो कलेक्शन है वो बहुत ही ह्यूज है और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑफर्स हैं यहाँ प्रोडक्ट्स पे. और अभी हम लोग आए हैं बेकरी के साइड्स में, बेकरी के सेक्शन में. और ये है कोकोनट रोल. यहाँ पे मैं कोकोनट रोल मैंने बिफोर वन डे मैंने घर पे भी बेक किया था, सो इट्स रियली डिलीशियस. मैंने देखा यहाँ पे भी है. और यहाँ पे हम देख रहे हैं काफ़ी सारे जो आइटम्स हैं यहाँ पे, काफ़ी डिस्काउंट्स हैं. सो आई लाइक इट. चलिए अभी मेरे साथ ग्रॉसरी शॉपिंग पर. And I did it all for love. Yes, I did it all for love. Oh, they say fools believe in it, so I guess I'm one of them. तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस थे और यहाँ पे मैं आई हूँ रोज़ वाटर लेने के लिए, जो कि अक्सर मैं ग्रॉसरी शॉपिंग में भूल जाती हूँ. सो आज फाइनली मैंने जो रोज़ वाटर है वो ले लिया है. और यहाँ पे गाइस जो प्रोडक्ट्स थे मेकअप के, बहुत ज़्यादा ही ह्यूज कलेक्शंस थे. बहुत ज़्यादा कंपनीज के प्रोडक्ट अवेलेबल थे यहाँ पे. सो वेरी कंफ्यूज कि मैं कौन सा प्रोडक्ट्स पिक करूँ और कौन सा छोड़ूँ. सो अभी नेक्स्ट हम जा रहे हैं अपने रेगुलर मॉल यानी सफारी मॉल में शॉपिंग के लिए. थोड़ा सा ग्रॉसरी बच गया है जो हम हमेशा प्रेफर करते हैं सेम मॉल से लेने का, जहाँ पे हम हमेशा प्रोडक्ट्स को कैच करते हैं. सो चलिए आप भी मेरे साथ सफारी मॉल. तो यहाँ पे हम आगे फिश सेक्शन में और ये फिश बहुत ही खूबसूरत है और येलो येलो कलर में बहुत अच्छी लग रही है फिश. और अभी यहाँ पे जो है हम लोगों का जो ग्रॉसरी शॉपिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और हम निकल रहे हैं घर के लिए. कर रही हूँ लंच प्रिपरेशन. वीकेंड है, सो आई होप आप लोगों का वीकेंड ऐसे ही अच्छे से गुजरता है बाहर जाकर और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके. बट गल्फ में जो वीकेंड होता है वो फ्राइडे का ऑफ होता है और थर्सडे हाफ डे होता है मेरे हस्बैंड का. सो आज मैं प्रिपेयर कर रही हूँ लंच में राइस, जो कि दाल मेरा पहले कम्प्लीट हो चुका है, प्लेन राइस है. और जो मैंने कल फिश लिया था उसका मैं फ़िश फ्राई बनाऊँगी आज. और फ़िश फ्राई की जो रेसिपी है इंशाल्लाह वो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिल जाएगी. सो ये फ़िश मैंने कल सफारी मॉल से लिया था, येलो फ़िश. बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्यूट सी थी. मुझे इसे फ्राई करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था बट फाइनली इसे हमने फ्राई कर लिया है और जिसे हम फ़िश को कंप्लीट कर लेंगे आज के लंच में. सो गाइस कल सफारी मॉल में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ और ये मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, बिकॉज फर्स्ट टाइम आई मेट माई
सब्सक्राइबर एक्चुअली इन सफारी मॉल. सो मैं बहुत प्राउड फील कर रही थी एट दैट टाइम, बिकॉज अगर आपको आपका सब्सक्राइबर फर्स्ट टाइम मिलता है और ही सेड कि ओके हुमा डायरीज, ओके आई सॉ योर ऑल ब्लॉग्स एंड द वीडियोस, सो आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट टाइम. सो आप लोग के साथ भी अगर ऐसा हुआ हो कि आपके साथ आपके सब्सक्राइबर कभी मिले हो और जो एक्सपीरियंस है और जो फीलिंग्स आपसे आपने वहाँ पे फील की होगी, सब मुझसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें. सो आज भी जो मेरा फ़िश फ्राई है, लंच बिल्कुल रेडी हो चुका है और लंच हम लोग कंप्लीट करते हैं. सो आफ्टर लंच हम लोग जाएंगे, आज इवनिंग का हमारा प्लान है सनसेट ड्राइव का कॉर्निश बीच पे. सो बने रहें मेरे ब्लॉग में. सो अभी हम आ चुके हैं कॉर्निश बीच पे. आप देख सकते हैं कि जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग है. बीच किसे पसंद नहीं आता, बीच सभी को पसंद आता है. सो आप में से किसे किसे बीच पसंद है, सो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें. और अभी शाम के हो रहे हैं 6:20. सो इन्जॉय करते हैं आज का जो सनसेट ड्राइव है वो मेरे साथ. और कॉर्निश पे मुझे बहुत अच्छा लगता है इवनिंग, स्पेशली इवनिंग के टाइम पे, बिकॉज जो सनसेट का जो व्यू होता है उसका एक अपना अलग ही एक्सपीरियंस है. सो आई एम ऑलवेज ट्राई टू एक्सपेंड माय स्नैक्स टाइम और इवनिंग टाइम इन कॉर्निश. और आई होप आप लोगों को भी बीच के साइड पे सनसेट देखना पसंद होगा. सो मुझसे ज़रूर शेयर करें अपने एक्सपीरियंस. और यहाँ पर हम लोग अभी आ चुके हैं, हम लोग जो है पार्किंग के लिए अभी जा रहे हैं कॉर्निश बीच पर. और ऑलवेज मैं जो स्नैक्स है जो कैरी कर बीच पर मैं के लिए जब भी अगर हम प्लान करते हैं, सो मैं ऑलवेज जो स्नैक्स है वो घर से प्रिपेयर करके लाती हूँ. आप घर पे बैठकर स्नैक्स करने से बेटर है कि आप कहीं पे एक्सप्लोर करें, स्पेशली अगर बीच आपके सिटी में है तो आप वहाँ पे ट्राई करें स्नैक्स. सम टाइम अच्छा लगता है और लाइफ में चेंजेस अच्छे लगते हैं. और कॉर्निश मेरा फेवरेट प्लेस है कतर में. And I'm always try to spend my time in Cornish. I really love. Because यहाँ के जो views है वो बहुत ही peaceful होते हैं. God, what did I know? What did I know? जो हस्बैंड है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, बैठने की तैयारी में है. और जो मेरे हस्बैंड का हमेशा होता है कि वो बिल्कुल बीच, अगर हम कहीं पे लाइक छोटा मोटा पिकनिक भी अगर हम करने जा रहे हैं तो वो बिल्कुल रिलैक्स मोड में जाना पसंद करते हैं. सो मैंने जो स्नैक्स में लिया है, ये जो डेट्स था ये बिल्कुल प्लांट से फ्रेश डेट्स हमने तोड़े थे. और यहाँ पे मैंने चना चाट प्रिपेयर किया है. और अभी हम लोग यहाँ पर टाइम फ्रेश करके घर के लिए निकल रहे हैं. और अच्छा लगता है क्वालिटी टाइम अगर आप अपने की अपने फैमिलीज और अपने हस्बैंड के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये जो टाइम होता है वो बहुत प्रेशियस होता है. सो इस ब्लॉग में इतना ही और अभी हम घर के लिए जा रहे हैं. सो गाइस गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फैमिली. एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट्स ऑन माई वीडियोज, लाइक करें मेरे वीडियोज को, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.